तो है गाइस, मैन इन मोबिन एंड यू ऑल्सो वाचिंग टेक्निकल मोबिन। गाइस आज इस वीडियो में बात आने वाला हूँ मैं आपको, आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कैसे कर सकते हो प्रोफेशनल तरह से। टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन प्लस थंबनेल। थंबनेल का बात आता है यहाँ पर, सबसे जरूरी होता है थंबनेल। और बहुत सारे बंदे होते हैं जो सिर्फ यूट्यूब से वीडियो अपलोड करते और थंबनेल नहीं लगा पाते, कुछ मतलब टैग अच्छा से नहीं डाल पाते, टैग का लिमिट होता है 500, टैग कितने डाल उसमें नहीं दिखाता है, इसलिए कुछ कम भी डाल देते और टैग सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वीडियो में। तो प्रोफेशनल तरह से आप वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हो, यानी कि टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, जितने सारे मतलब मोनेटाइजेशन, जितने सारे फीचर है सब आपको मतलब कैसे मिलेंगे, यानी किस पर कोरोन वायरस आप कैसे अपलोड कर सकते हो प्रोफेशनल तरह से, आज से शुरू में आपको बताने वाला हूँ। प्लस यहाँ पर शुरू से बताने वाला हूँ आपको साइन इन कैसे करना है, कोरोन वायरस कैसे अपलोड करना है, कैसे यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो में जाना है और कैसे क्या। इस चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। और आप हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो टेक्निकल मोबिन से नाम से जाकर वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप फॉलो कर सकते हो। चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस करना है यहाँ पर कुछ नहीं, पहले सिंपल सी आपको यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको अपना चैनल सिलेक्ट करना है, साइन इन करना है, और साइन इन करने के बाद आपको वहाँ पर प्लस का आइकन दिखा, आपको यहाँ पर से सिंपल सी वीडियो अपलोड कर देना है। और वीडियो आपको अनलिस्टेड मोड में अपलोड करना है या फिर आप प्राइवेट में, दोनों ऑप्शन में से आपको जो ठीक लगे वहाँ से अपलोड कर दो। तो मैं यहाँ से पहले एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से फिर मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से एक वीडियो सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है इसको, अनलेस यहाँ पर कुछ टाइटल जाओ जो मन है आप टाइटल यहाँ पर भी डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो इच्छा है वहाँ पर आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी का एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होता है, प्राइवेसी का ऑप्शन पर आपको जाना है और यहाँ से आपको अनलिस्टेड मोड या फिर आपको प्राइवेट, ये आपको दोनों में से सिलेक्ट करना, आपको जो इच्छा अच्छा लगे वो सिलेक्ट करें, दोनों बात बराबर ही है, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा हेर फेर नहीं है। तो मैं अनलिस्टेड मोड सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको यहाँ से वीडियो को सेंड कर देना, तो यहाँ पर अपलोड कर क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा ही अपलोड होता है उसका करना क्या है आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। तो गाइस आपको सबसे पहले आपको यूट्यूब पर प्रेस कर देना, ठीक है। यूट्यूब पर आपको प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको ऐप इन्फो पर जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐप इन्फो पर जाता हूँ, फिर आपको उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे ओपन बाय डिफॉल्ट, ओपन बाय डिफॉल्ट के ऑप्शन पर जाना है। फिर यहाँ पर लिखा ओपन शॉर्ट लिंक, यहाँ पर देखो ओपन शॉर्ट लिंक का ऑप्शन है, ये मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम, जब आप क्रोन बाजार पर जाते हो तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको शुरू में बता देता हूँ, ये आप यहाँ पर करो तो यहाँ पर ये सिस्टम ऑफ कर दे तो आपको थोड़ा ही प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये सिस्टम ऑन भी रहता है सब भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको मतलब सिंपल आप बेसिक तरह से आप सीख रहे हैं तो आपको कोई शुरू में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ओपन शॉर्ट ऐप पर क्लिक करना है, लिंक पर यहाँ पर देखो आपको डू नॉट ओपन इन दिस ऐप, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको हट जाना है। तो यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ, ये आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए तो ठीक है। फिर आपको जाना है आपको कोरोन बाजार में, ठीक है। तो आपको कोरोन बाजार मालूम है नहीं मालूम है तो क्या बात करते हो, तो आपको कोरोन बाजार है आपको ओपन करना है। तो गाइस आप जैसे ही कोरोन बाजार ओपन करते हो आपको यहाँ पर सामने आपको यूट्यूब सर्च कर लेना, या फिर आप यूट्यूब का मेरा देखो मैंने यूट्यूब पर ही सर्च करके रखा तो आपको यूट्यूब सर्च कर लेना। जैसे मैं आपको सामने यूट्यूब सर्च करता हूँ, यहाँ पर यूट्यूब मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मेरा ऑप्शन आता है यूट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब पर क्लिक करता हूँ, यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वहाँ पर नहीं भेजेगा आपको, जो आपको जो पर्सनल यूट्यूब है जहाँ पर मैंने आपको ऑफ करवा दिया था वो यूट्यूब पर आप नहीं जाओगे। फिर आपको यूट्यूब पर तो आ गए थे, आपको यहाँ पर करना क्या था, वो यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन है यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आ रहा था, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसा ही क्लिक करो तो आपका पूरा मतलब जो थीम होता है यानी जो आपको दिख रहा है वो आपको लैपटॉप की तरह हो जाएगा, यानी डेस्कटॉप साइट मोड। तो गाइस इतना आपने जान लिया थी, अब इसके बाद करना क्या है, तो उसके बाद आपको देखो साइन इन का ऑप्शन है आ रहा है, आपको साइन इन करके रखो उस चैनल, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं करके क्योंकि मैं आपको बेसिस करके समझा रहा, तो आपको पूरा शुरू से समझना है। तो यहाँ पर आपको देख लियो, अगर आपने साइन इन कर रखा तो फिर और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर अपना मतलब चैनल से जो आप जो चैनल है उससे आपको साइन इन कर लेता, मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको जब साइन इन आपने कर लिया तो मैंने भी साइन इन कर, तो उसी साइन इन ऑप्शन में जब आपका चैनल का लोगो आ जाए तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने का यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन आ रहा है, तो यूट्यूब स्टूडियो में आपको क्लिक करना है, तो आप यूट्यूब स्टूडियो में पहुंच जाओगे। तो गाइस आपको यूट्यूब स्टूडियो में थोड़ा वेट करना है, और यूट्यूब स्टूडियो में आप आ चुके हैं। तो देखो गाइस मैंने देखा यूट्यूब स्टूडियो में आ गया, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, तो गाइस यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है मेन वीडियो, आप यहाँ से मैंने वो बेसिस वगैरह बताया, और यहाँ से आपको एडिटिंग का टिप्स आता है। तो गाइस आपको यहाँ पर एक वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको वीडियो का ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो का ऑप्शन पर जैसा ही क्लिक करो आपके सामने जो भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किए रहोगे वो आपको आ जाएगा। तो देखो मैंने दो वीडियो अपलोड किया हूँ, तो यहाँ पर अनलिस्टेड मोड आपको वीडियो के ऊपर एक क्लिक करना है, ठीक है, मैं वीडियो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है, पेंसिल टाइप का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पर आपको मैं बैक फिर से मैं लग रहा है एडिट ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो एडिट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, और एडिट के ऑप्शन पर मैं आ जाता हूँ। तो एडिट का ऑप्शन पर यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पूरा बेसिक तरीके से आप सिंपल तरीके से आप देखो यहाँ पर पूरा चीज़ आपको खुल जाएगा, ये वीडियो बच्चों के लिए है या ना है, कमेंट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एड
ऐड रिस्ट्रिक्शन वीडियो आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको मोर ऑप्शन पर भी मिल जाए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो देखो यहाँ पर पहले आपको टाइटल लिख देना, कोई बात नहीं, चलो हटाओ टाइटल, मैंने पहले से लिखा हूँ। फिर आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ से लिख देना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखना है यहाँ पर, कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको यहाँ पर थंबनेल का ऑप्शन आ रहा है, तो अपलोड थंबनेल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप थंबनेल अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा अपना ये चैनल मेरा वेरीफाई नहीं था, आपको चैनल पहले वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। वेरीफाई नहीं करना तो बता दो, मैं अपना मतलब वीडियो अगले वीडियो में बता दूँगा आपको वेरीफाई आपको चैनल कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप वेरीफाई करना है, फिर आप थंबनेल लगा सकते हैं अपने वीडियो में। फिर यहाँ पर आपको करना कुछ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वीडियो होता है बच्चों के लिए, आपका वीडियो है या नहीं, आपको नोट यहाँ पर नया वीडियो बच्चों के लिए, मैं नो पर क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पर आपको टैग डाल देना, आपको वीडियो से रिलेटेड आप जो भी टैग लिखो यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से फिर आपको डाल देना है, मतलब जो लिखने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन होता है, जो उस पर क्लिक करें तब अपने आप आपका टैग डला जाएगा। तो जो आप जो मतलब हाउ टू मेक ए वीडियो लिख देना, फिर वो डन का ऑप्शन आएगा, आपको साइड में एरो टाइप का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना, तो वो अपने आप हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको यहाँ पर देखो साइड में देखोगे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, इंडस्ट्रीन का आएगा, आई कार्ड का आएगा। तो आप इंडस्ट्रीन लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके इंडस्ट्रीन लगा सकते हो, आई कार्ड लगा सकते हो, तो यहाँ पर आप वो यहाँ पर भी लगा सकते हो आई कार्ड, जो वीडियो में आई कार्ड में मिल जाएगा वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है, तो ये बच्चे के लिए जो बच्चे का वीडियो आएगा उसमें नहीं लग सकता आई कार्ड, तो यहाँ पर आपको आई कार्ड भी लगा सकते हो। तो आई कार्ड का ऑप्शन को क्लिक करके आप यहाँ पर डाल सकते हो आई कार्ड भी, कुछ भी आप अपना चैनल डिस्क्रिप्शन जो भी वीडियो आप आई कार्ड में डालना डाल सकते हो। तो यहाँ पर डालने का ओके क्लिक कर देना, फिर आपको यहाँ पर एक इंडस्ट्रीन का ऑप्शन आया, इंडस्ट्रीन भी लगा देना, जो आपको वीडियो में 30 सेकंड पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 25 सेकंड के ऊपर का वीडियो उसी में इंडस्ट्रीन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, और यहाँ पर क्लिक करने पर आपको एक मोड ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो मोड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और जैसा ही मोड ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिल रहा है, आपका वीडियो स्पॉन्सर है या नहीं, पेड प्रमोशन है या नहीं, ठीक है। आप कौन सा कमेंट को मतलब कमेंट को अलाउ करना चाहते हैं या नहीं इस वीडियो में, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले आपको लाइसेंस भी मिल जाता है, आपका वीडियो लाइसेंस है मतलब स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखना है या क्रिएटिव कमेंट रखना चाहते हो। फिर आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा कैटेगरी, आपको कौन सा मतलब वीडियो, आपका वीडियो कौन सा कैटेगरी, गेमिंग है, कुकिंग है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्लॉग है, क्रिएटर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर आपको कमेंट एंड रेटिंग अलाउ करना चाहते हो, आप यहाँ से अलाउ कर दो या ऑफ कर दो, ठीक है। और यहाँ से एक ही बार में आप सब सेकंड सेव कर सकते हो। और यहाँ पर बात है पब्लिक करने है, तो आपको यहाँ पर बेसिक के ऑप्शन पर, फिर आपको बेसिक पहला सेटिंग में आना बेसिक में, और यहाँ पर विजिबिलिटी का ऑप्शन एक नारा डाला, वहाँ पर आपको यहाँ पर पब्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पब्लिक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे और डन के ऑप्शन पर क्लिक कर दो, तो ये हमारा वीडियो पब्लिक है। जैसा ही सेव करोगे, जितने भी आपको सब्सक्राइबर या नोट होंगे उसके बाद नोटिफिकेशन चले जाएंगे, तो इससे ज़्यादा आप प्रोफेशनल तरह से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा चीज़ कवर हो जाएगा, जैसे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आता है, मोनेटाइजेशन का भी इसमें ऑप्शन आ जाता है, साइड में यहाँ पर एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन रहता है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन अभी ऑन होगा, तो ये मोनेटाइजेशन का भी आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो इसी तरह पूरा प्रोफेशनल तरह से वीडियो थंबनेल सब एक ही साथ में लगा सकते हो, और यहाँ से सिंपल से अपलोड कर दो, पब्लिक आप जितना भी सब्सक्राइबर उसके बाद नोटिफिकेशन चले जाएंगे। तो भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, और उसको भी अगर वीडियो अपलोड प्रोफेशनल से नहीं करने आता है तो वो भी ये सीख लेगा। और इस टाइम अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया, टेक्निकल मोबिन से फॉलो कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बस।